वेलकम इन लर्न इन एच जीजी वेस्टाई। लर्न इन एच जीजी वेस्टाई के इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे रिसाइकल बिन के अंदर फाइल या फोल्डर को रिस्टोर करना, रिसाइकल बिन खाली करना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे हैं। अभी यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे जाइए न्यू, उसके बाद यहाँ पे जाइए फोल्डर, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फोल्डर यहाँ पे बनने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे फोल्डर का नाम मांगा जा रहा है कि फोल्डर का नाम क्या रखना है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ SGGVSTI। ये नाम दे दिया मैंने फोल्डर का। उसके बाद बाहर क्लिक कर सकते हैं माउस, या अपने कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। तो एंटर प्रेस कर दिया हमने। अब देखिए इस फोल्डर को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, तो अभी ये फोल्डर बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। तो इसके अंदर पहले कुछ हम डाल लेते हैं, जैसे इसके अंदर हम कुछ पिक्चर्स डाल लेते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं पिक्चर्स के अंदर और यहाँ ओपन करते हैं इसको, और ये पिक्चर है तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जितने पिक्चर आपको लेने हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से कॉपी कर लीजिए। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी की दबा के भी कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से। उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, इसे भी क्लोज कर दिया हमने। और उसके बाद हम यहाँ से इस फोल्डर को ओपन करते हैं, इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर दिया हमने, इसको ओपन कर लिया हमने। उसके बाद देखिए ये फोल्डर अभी खाली है, तो इसके अंदर हम राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल दबा के रखिए, उसके बाद वी प्रेस कर दीजिए तो पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो फाइल है इसमें कॉपी हो गई है हमारी डाटा, यानी ये जो पिक्चर हमने अभी कॉपी किया था ये इसमें पेस्ट हो गया है। उसके बाद इसको क्लोज किया हमने। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक किया हमने और यहाँ पे गए न्यू पे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया हमने और फोल्डर बन गई। इस फोल्डर का नाम दे देते हैं हम, दे देते हैं ऑनलाइन कोर्स, CORS कोर्स हमने नाम दे दिया, ऑनलाइन कोर्स। ठीक, अब मान लीजिए जब हम कोई फोल्डर या फाइल डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर से, जैसे मान लीजिए ये फोल्डर है इसे हमें डिलीट करना है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। जब आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन, यानी कि क्या इस फाइल को आप रिसाइकल बिन में मूव करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, अगर डालना चाहते हैं तो येस बटन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप यहाँ पे नहीं डालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे नो बटन भी दिया हुआ है। इन दोनों बटन में से कोई भी एक आपको लेना होगा, तभी आपका काम होगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यस, क्योंकि हमें रिसाइकल बिन में डालना है, मतलब डिलीट करना है, यस कर दिया। तो फाइल जो भी आपके कंप्यूटर में कोई भी डाटा कुछ भी डिलीट करते हैं आप, कुछ भी डिलीट होता है फाइल या फोल्डर कुछ भी, तो वो आपके कंप्यूटर में कहाँ आता है, रिसाइकल बिन में आता है। रिसाइकल बिन आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए डेस्कटॉप पर ये जो है ये रिसाइकल बिन है यहाँ पर, तो इसी के अंदर सभी डाटा जो है वो डिलीट होके आता है। उसके बाद इस फोल्डर को भी डिलीट करते हैं, इस पर भी हमने माउस क्लिक किया। डिलीट आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और माउस से भी। माउस से करना है डिलीट तो राइट क्लिक करेंगे और ये पॉपअप विंडो जब खुलेगा तो इसमें देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन है डिलीट, इस पर क्लिक कर दीजिए। और इसके लिए यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, उसके लिए यहाँ पे यस या नो में आपको कहना पड़ेगा। तो यस कर दीजिए, डिलीट हो गया। अब देखिए जो भी डाटा आप डिलीट करते हैं वो आपके कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में चला जाता है। अब हमें पता तो चल गया कि किसी भी चीज़ को डिलीट कैसे करते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई चीज़ आपने गलती से डिलीट कर दिया, आपको वो डिलीट नहीं करना था या गलती से डिलीट हो गया, तो रिसाइकल बिन से वापस कैसे लाएंगे। तो उसके लिए रिसाइकल बिन पहले ओपन कीजिए, इस पर डबल क्लिक कीजिए, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या रिसाइकल बिन पर राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन पर क्लिक कीजिए। तो देखिए ये जो है ये दोनों फोल्डर हमने अभी डिलीट किया था, तो इस पर क्या करना है आपको, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे ये फोल्डर हमें फिर से लाना है तो इस पर राइट क्लिक करके, और उसके बाद देखिए यहाँ पे है रीस्टोर, रीस्टोर कर देंगे आप। तो देखिए हम जैसे ही रीस्टोर करते हैं तो ये फाइल यहाँ से हट गई, तो हट के ये आई कहाँ, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं,
देखिए यहीं पे आ गया, यानी जहाँ पे ये फाइल था डेस्कटॉप पे था ये फाइल, तो देखिए डेस्कटॉप पे ये फाइल जो है फोल्डर जो है आ गया। इसी तरह से आप कर सकते हैं, जैसे अब ये वाला फोल्डर है इसको भी करना है तो फिर इस पर राइट क्लिक कीजिए और रिस्टोर कर दीजिए, या तो आप यहाँ से कट करके भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें रिस्टोर नहीं करना है, हमने यहाँ से कट कर लिया रिसाइकल बिन से कट करके, और उसके बाद अपने डेस्कटॉप पे आए और यहाँ पे राइट क्लिक किया माउस का बटन और उसके बाद पेस्ट कर लिया, तो इस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं। ये रिस्टोर आपको वहाँ पे काम आएगा जब कोई भी चीज़ आपसे गलती से रिसाइकल बिन में चला गया या डिलीट हो गया अपने कंप्यूटर से, तो उसको आप ला सकते हैं। जब आप रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देंगे तो फिर आप नहीं ला पाएंगे। वैसे लाते तो हैं रिसाइकल बिन से डिलीट होने के बाद भी, लेकिन वो तकनीकी तरीके होते हैं लाने के, वैसे नॉर्मल तरीके से फिर नहीं आ सकते आपके डाटा। तो ये था कि रिसाइकल बिन को जो है कोई फाइल या फोल्डर उसके अंदर है तो उसमें से रिस्टोर कैसे करते हैं। उसके बाद मान लीजिए अभी हम इसको क्लोज करते हैं, इन दोनों को फिर से डिलीट करते हैं। सेलेक्ट किया हमने, इस पर गए राइट क्लिक किया और उसके बाद डिलीट और उसके बाद यस डिलीट हो गया। अब हमें क्या करना है, रिसाइकल बिन जो है इसको खाली करना है। अभी देख सकते हैं आप जो रिसाइकल बिन है इसके अंदर लग रहा है कि हाँ कुछ कचड़ा सा है, भर गया है, तो इसको क्या करना है, खाली करना है। तो खाली करने के लिए क्या करना है, इस पर राइट बटन क्लिक करना है माउस का, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है इम्पटी रिसाइकल बिन क्रिएट शॉर्टकट रीनेम प्रॉपर्टीज़। हमें प्रॉपर्टीज़ तो चेक ही नहीं करना है कुछ भी, तो हमें करना क्या है, इसमें राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद जाइए यहाँ पे इम्पटी रिसाइकल बिन, यानी रिसाइकल बिन क्या करना है, खाली करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए ये बिल्कुल जो रिसाइकल बिन है ये साफ़ हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, यानी आइटम्स जो भी आपके इसमें मल्टीपल फाइल पड़े हुए हैं क्या आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग भी दे रहा है ऊपर मल्टीपल आइटम्स, इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स है यानी एक से ज़्यादा आइटम है, तो क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कर देंगे यस। तो देखिए डिलीट हो गया, आप देख सकते हैं रिसाइकल बिन यहाँ पे नज़र आ रहा है बिल्कुल खाली। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ से इसको मैक्सिमाइज करते हैं, देखिए रिसाइकल बिन जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका है। तो इस तरह से आप रिसाइकल बिन का यूज़ कर सकते हैं। और भी वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए और सीखने के लिए लर्न इन एज इज बेस्ट का ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे क्लिक करके इस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, या अगर आप इसके किसी वीडियो को प्ले करके देख रहे हैं तो देखिए वीडियो के नीचे ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि लर्न इन एज इज बेस्ट का वीडियो ट्यूटोरियल आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियो इस पे अपलोड किया जाएगा या डाला जाएगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मेल द्वारा प्राप्त हो जाएगी। देखते रहिए लर्निंग एज इज बेस्ट और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।